वो कुआं किस जाति के हिस्से में है इस बात को लेकर हमारे और वेलू के आदमियों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। उस दिन मेरे पापा ने वेलू के पापा को कुएं में धकेल कर मार डाला। अगर उस दिन मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया होता तो वो आज जिंदा होते और ना ही मुझे आपको अपनी कहानी बतानी पड़ती। अरे क्या क्यों रे, इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? स्कूल के कंपाउंड में सिगरेट पी रहे हैं? आज जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला विषय है और ये विषय तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा क्योंकि ये विषय तुम्हारी जिंदगी में अटेंडेंस ये क्या कर रहा है तू? तेरी तो इधर तुझे तो मैं बताता हूँ, जाता कहते हैं स्कूल के अंदर सिगरेट पीना, मास्टर जी की धोती खींचना, मास्टर जी और लेडी टीचर का कार्टून बनाना, इस तरह की मस्ती स्कूल में नहीं चलेगी मैडम। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस बस बहुत हो गया, कई बार माफ कर चुका हूँ, अब आप इसकी टीसी लेकर जाइए। वहाँ जाकर चित्र मत बनाना बेटा मणि। हाँ माँ। ठीक से पढ़ाई करना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ज्यादातर मेरी गलतियाँ माँ से माफी मांगने के बाद ठीक हो जाया करती थी, लेकिन इस बार नहीं हुआ। मेरी माँ भी मेरी शरारत को अब सहन नहीं कर पा रही थी। माँ को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने मुझे मेरे मामा दुरई के यहाँ भेज दिया। पहाड़ और ओस देखे हुए बहुत दिन हो गए, लगभग 10 साल हो गए थे। जब पिताजी थे तब मैं यहाँ आया करता था। जल्दी जल्दी काम क्या करते हो? बस खाता है काम नहीं करता है। तेरा ये रोज का नाटक है, निकाल दूंगा तुझे काम से मैं। भैया तो चाहे ये तंगम है, छोटी जाति की है। दुरई मामा जो स्कूल चलाते हैं उसमें ये पढ़ती है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ने वाला हूँ। वो मालिक पूछ रहे थे। आप उन्हें बता दीजिएगा कि माँ को बुखार है, मैं चलती हूँ दीदी। अच्छा ठीक है। भैया एसआर स्टेट वाले दुरई जी का घर कहाँ है? अच्छा उनका घर यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ, बिल्कुल सीधा, ठीक है? हाँ आगे जाके मिल जाएगा। यही है दुरई मामा, ये मामा का ड्राइवर अनवर, लेकिन इसका असली नाम अनवर नहीं है, वो कहानी में बाद में बताऊंगा। ओए मणि, तू क्यों इस तरह से भाग कर आ रहा है? आते ही तूने शरारत शुरू कर दी। हाँ? नहीं मामा। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं मामा। ठीक है सामान उठा। चंद्रा दीदी कैसी हैं? ठीक है मामा। मैंने सुना कि धोती खींचने के अलावा तुमने चित्र भी बनाया। देख यहाँ ये सब शरारत मत करना, समझ गया ना? नहीं करूंगा मामा। दो कार, काफी स्टेट, टी स्टेट, स्कूल, खेतीबाड़ी, मामा इस गांव में बहुत पावरफुल है। जीना हो तो मुझे ऐसे जीना है, ये मेरे मन में ख्याल आया। दुरई मामा हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, आखिरी बार तब आए थे जब मेरे पापा गुजर गए थे। माँ को विश्वास है कि मैं यहाँ रहूंगा तो सुधर जाऊंगा। पैसे के लिए पैसे वैसे चाहिए तो हिचकिचाना मत, मांग लेना, ठीक है ना? बैग को अंदर रख कर आ जा, स्टेट चलते हैं। ठीक है मामा। कौन दुरई है क्या? नहीं मैं हूँ दादी, मणि। कौन सा मणि रे? मैं हूँ चेलापणी का बेटा। वेल्लोर वाला क्या? हाँ। और तेरी माँ कैसी है? माँ ठीक है, तुम कैसी हो दादी? अब तक तो जिंदा हूँ बेटा। तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए जल्दी चले गए। अब भगवान जाने मुझे मौत कब आएगी, हर दिन बस अपनी मौत का इंतजार करती रहती। मणि भगवान आते ही इस बुड्ढी से क्या बात करने लगा? चल अंदर आ जा। बस बहुत परेशान हो गई। अपनी जाति के लिए मेरे पापा ने अपनी जान दे दी, इसलिए दुरई मामा मेरे पापा को बहुत मानते हैं। क्या ये तू हर वक्त यही बात दोहराता रहता है? हाँ ऐसी बात नहीं है मालिक। ये है नंदा, तंगम का भाई लगता है। छोटी जमीन पे कॉफी की खेती करके वो कॉफी दुरई मामा को बेचकर अपना गुजारा करता है। 3 दिन पहले लोड भेजने के लिए कहा था।
उसकी जात में ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, यही प्रॉब्लम है। मालिक उधारी लेकर के खेती बाड़ी कर रहा हूँ, लेकिन उससे कमाई उतनी नहीं है। तो फिर एक किलो पर 5-10 बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। तू 5-10 बढ़ाने की बात कर रहा है? जो तुम्हें दे रहा है ना बहुत ज्यादा है, तू उतने में ही काम चला। मालिक हमसे 60 रुपए किलो खरीद कर बाहर क्या रेट लगाते हैं मुझे सब पता है, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। ये तू क्या हक वक की बात कर रहा है? मेरी बात सुन ले, बेकार की बातें करेगा ना तो मुझसे मार खाएगा, बस इतना ही दूंगा तुझे। तकलीफ में था इसलिए कह रहा था। Hey, आज के बाद इसे कोई माल नहीं उठाएगा। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा मालिक? समझ में आ रहा ना, तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रहा है तू? चल जा, आकर कानून की बात करता है। क्यों चला, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। क्या बात है आज इस तरफ? आपसे ही मिलने आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, चला ही मामा को लड़कियाँ सप्लाई करती है। आप ही तो नहीं बुलाते। काम करने की जगह, मंदिर, जंगल, हर जगह से मार्क की हुई लड़कियों को उठाने में माहिर है मामा। मार्क की हुई लड़की को किसी भी तरह से चला मना कर ले आती है। तू क्या ऐसे बेवकूफों की तरह बात कर रही है? अच्छे लड़के से तेरी बहन की शादी करवाई है मालिक ने, अभी तो उनको पसंद आ गई है। क्या कर सकते हैं, जिंदगी में ये सब करना पड़ता है। इसका नाम है रत्नम, रामराज का बहुत बड़ा फैन है। इसकी बहन कविता से शादी करने की मेरे मामा को बहुत चाहत है। कॉफी बेचने से लेकर लड़कियों को मार्क करके पटाने में मामा के सभी काम में हिस्सेदार है। आनंद, मैं आकर पिकअप कर लूंगा यार, आने के बाद बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आनंद, अमेरिका से कब आ रहा है? देखो जेब के अंदर क्या साले साहब, देख अगर तुझे वो इतनी पसंद है तो फिर तू ही ओपनिंग कर लेना, मैं तेरे लिए छोड़ देता हूँ। ये सब मेरे लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, जा 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 यहाँ से तू, जला मत। यही है कविता, मेरे मामा जिसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। ये मेरे मामा के स्कूल में मैथ टीचर है। बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दे दो। दुरई के घर से अपनी कविता के लिए रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, मैंने तुमसे पूछने के लिए कहा है, क्या कहते हो तुम? दुरई नहीं चाहिए पापा, हमको अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे ना। काश कि मेरे भाई ने भी मेरे बारे में सोचा होता। पर दुरई के लिए क्यों मना कर रहा है, क्या कमी है उसमें, कितना पैसा वाला है वो? सासु माँ, ये मना कर रहे हैं तो रहने दीजिए ना, इन्हें सब पता है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो है। दुरई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हो? उसकी उम्र देखो और कविता की उम्र देखो, कोई दूसरा लड़का देखेंगे। ए, ओवर बहुत कम है, आउट मत होना, अच्छे से खेलना ठीक है। अरे यार, अरे शंकर कहाँ है? अरे शंकर कहाँ गया पता नहीं, वन डाउन खेलने के लिए कोई लड़का नहीं है। एक काम करते हैं यार, वो जो लड़का बैठा है उसको बुला लें क्या? हाँ ओके, आने के लिए बोल। आजा आजा। मैं? हाँ जल्दी आओ तुम। आजा। चलो चलो सब रेडी हो जाओ। ए, ये कौन है रे? ए भाई ठीक से खेलना। हाँ ये वाला मुझे दे। देख ओवर बहुत बचे हैं पर ये आखिरी विकेट है, तू आउट मत होना। आउट छोड़, अभी देख फोर कैसे मारता हूँ। लगता है ये आउट होगा। आराम से खेल यार, आउट मत हो जाना। अरे यार, ए संभल कर यार, ये मरवाएगा पक्का। मिस हो गया यार, ये तो शंकर से भी गैर गुजरा। देखिए आखिरी बॉल है, तू इस बॉल को खेल ले, नेक्स्ट ओवर मैं खेलूंगा। ए, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ यार। अरे तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। तू देखेगा, इसी बात का तो डर है। देख अभी कैसे सिक्स मारता हूँ। <हे, हे, हे, laughs>
क्यों रे, कितना फेंक रहा था तू? बोल रहा था सिक्स मारूंगा, फोर मारूंगा, अब क्या हुआ, हार गए ना मैच? यार बैटिंग में थोड़ा वीक हूँ, अगर मुझे बॉलिंग दी होती ना तो कहानी कुछ और ही होती थी। सबमिट नहीं किया था, जिसने भी नहीं किया है आज शाम तक सबमिट कर देना, नहीं तो प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स देख रहा है भाई। ये टीचर बहुत बोल रही है, सुनना ना भाई, ये टीचर कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये टीचर ना एक नंबर की खड़ूस है यार, ये तो हमारे पीटी टीचर से भी ज्यादा परेशान करती है। कौन बजा रहा था? मैं पूछ रही हूँ कौन बजा रहा था? मणि और शिवम तुम दोनों खड़े हो जाओ। मणि खड़े हो जाओ। मणि क्या हुआ, सुना नहीं दे रहा क्या? मणि तुम्हें आप आ रही हैं नहीं? ऐसे रोती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, चलिए आइए। छोड़ दो ना कविता, तुम्हें सब पता है ना, मैं कुछ भी कहूंगी तो कोई नहीं ऐसे सुनेगा। कैसे नहीं सुनेंगे, आप स्कूल की टीचर हैं, आपके साथ जिस लड़के ने ऐसा किया उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। कविता आप बहुत छोटी हो और स्कूल में नई आई हो, आपको यहाँ के कायदे कानून नहीं पता। सर चुड़ी से इनके हाथ में कट लग गया और आप बता मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी मस्ती कर रहा था, गलती से हो गया। क्या प्रिंसिपल साहब, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब अपने टीचर को परेशान नहीं करते थे क्या? क्या हम ये बातें करने यहाँ आए हैं? शैलवी खुद नहीं आई है तो तुम्हें इससे क्या है, तुम जाकर अपना काम करो, मैं सर से बात करके तुमको बुलाता हूँ बाद में। तूने हाथ मोड़ दिया, बिल्कुल अपने बाप पर गया है तू। ऐसा करना सही है, तभी उनके दिल में डर होगा, वरना वो हमसे डरेंगे नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद तू स्कूल का हेडमास्टर बनेगा, उस जमाने में अपने बाप को देखना चाहिए था, याद रख तू उसका बेटा है। वहां मैं गला फाड़ फाड़ कर तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ और तुम यहाँ बैठकर ड्राइंग कर रहे हो। जिसका चित्र बनाया है ये बुढ़ी किस जाति की है पता है तुम्हें? अब इसके लिए तुम्हें जात की परवाह नहीं है ना? अगर पता होता तो नहीं करता। क्या बड़बड़ा रहे हो, जाओ बोर्ड में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, यहाँ बैठकर ड्राइंग करने में तकलीफ हो रही होगी, वहां जाओ उनके साथ बैठकर उनकी ड्राइंग बनाओ, उसी ड्राइंग पे मार्क्स दूंगी मैं। सॉरी टीचर। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे मामा का स्कूल है उसी का घमंड है ना, पढ़ाई के वक्त बैठकर ड्राइंग करते हो, जब सवाल किया जाए तो टीचर का हाथ मोड़ते हो। तुम जैसे लड़के दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। तंगम स्कूल खत्म होने के बाद रोज एक घंटा इसे गणित सिखाओगी। जी ठीक है टीचर। अब इससे अच्छे से गणित सीख लेना, अगर ड्राइंग कर सकते हो तो गणित भी सीख सकते हो। ये तो रोज ही ऐसा करता रहता है, मुझे पता है, मैं इसे देखती हूँ। चित्र बनाया है ये बुढ़ी किस जाति की है पता भी है? अब इसके लिए तुम्हें जात की परवाह नहीं है ना?
क्या हुआ? नोट चाहिए क्या? पढ़ाई के अलावा सब काम तुम ठीक से कर लेते हो, है ना? नहीं टीचर। उस दिन क्लास में जो ड्राइंग कर रहे थे वो ड्राइंग? नहीं टीचर, आज के बाद नहीं बनाऊंगा। मैं कह रही थी कि वो ड्राइंग अच्छी थी। थैंक्स टीचर। वही दिमाग पढ़ाई में लगाओगे तो अच्छा होगा। वैसे ड्राइंग कब से कर रहे हो तुम? बचपन से ही बना रहा हूँ। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन टीचर के साथ बदतमीजी करना गलत बात है। तुम्हारी माँ ने यहाँ तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा है ताकि तुम अच्छे इंसान बनो, अपने मामा और उनके बेटे की तरह बदतमीज ना बन जाओ, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। समझ में आ रहा है ना? ठीक है टीचर। ठीक है, ये लो जाओ। जाता हूँ टीचर। क्या यार, कविता टीचर तुझसे अकेले में बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं, क्लास में चित्र बनाया था ना, वो अच्छा यही कह रही थी और कुछ नहीं। क्या रे, क्लास में डांटती और अकेले में प्यार जताती है क्या? चुप कर रहे। अरे ऐसा कौन सा चित्र बनाया जो तुम हमें नहीं दिखा सकते? खेल खत्म होने से दिखाता हूँ। मैं कला के गले लगा हुआ हूँ, ऐसा चित्र बनाना? क्या तू गले लगाने की बात कर रहा है? मैं किस करने वाला चित्र बना दूंगा? अरे ये चित्र बना सकता है भाई, सच में यार। कौन है? देखा देखा दिया दिया, ये मेरी दादी है, बेचारी अब नहीं रही, गुजर गई। ये तेरे पापा है ना? देखा, तूने नहीं बताया तब भी मैं समझ गया। क्या रे, बहुत दिमाग। और क्या, अरे हट, परेशान मत कर। अरे ये क्या, आते ही कोल्टा लेकर जाने लग गए। सुनिए रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं बताइए। चल सामने से सर जाओ, जाने ना मुझे। अरे रुकिए ना, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं। तेरे पापा भी ना हमें चैन से भी नहीं जीने देते। छोड़कर भाग गया। तब वो कैसा दिखता था मुझे पता नहीं था, और कहाँ रहता था ये भी नहीं जानता था, लेकिन उससे हर हाल में बदला लेने का जुनून मेरे अंदर था। जब कभी मेरा जुनून कम होता है, मैं अपने पापा की तस्वीर देख लेता हूँ और मेरे अंदर फिर से वो जुनून बढ़ जाता है। मेरे पापा को जिस वेलू ने मारा वही अनवर है, मेरे मामा का ड्राइवर। उसका अच्छा वक्त था कि उस वक्त मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो उसी वक्त उसको मार डालता। सारी बोरियां गिल्ली ना, जल्दी चढ़ाओ। क्यों साले साहब, वाह सफारी पहनकर दूल्हा राजा बनकर आए हो। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, बिजनेस मीटिंग करने वाले है ना। आनंद विदेशी लड़कियों को लेकर आया है, इसलिए मैं भी डिसेंट ड्रेस पहन कर आया। संभल कर भाई, कहीं विदेशी लड़कियां तुझे प्रेग्नेंट ना समझ ले। अरे सच कह रहा हूँ यार, जल्दी निकलो यार। हाँ ठीक है भाई, ये ले चाबी, गाड़ी घर पर छोड़ देना। जी भाई। तुराई के घर पर छोड़ना। ठीक है। इस कॉफी एस्टेट को देख के आनंद ने क्या बोला? अरे बोलेगा क्या, अमेरिका में जो कॉफी शॉप शुरू करने वाला उस बारे में बता रहा था। कॉफी नट्स अपने से ही खरीदने वाला है। ए, आज उसके साथ अच्छी डील होनी चाहिए। देख एक बात सुन ले आनंद, हमारा बचपन का दोस्त है, इस बात को मत भूलना हा? लेकिन डील भी अच्छे से करनी है। देख दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस भी उतना ही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना तू। फ्रेंड मतलब तेरे जैसा फ्रेंड। पिछले हफ्ते एक फ्रेंड सिंगापुर से आया था, पता है वो ना शराब लेके आया ना कुछ और। लेकिन तू एकदम सही फ्रेंड है यार, तू ध्यान रखता है, सब ध्यान रखता है तू। हाँ देखो ये मेरा ऐड है, वी आर स्टार्टिंग अ चेन ऑफ कॉफी शॉप्स इन द यूएस।
इंडियन कॉफी, कैनियन कॉफी, कोलंबियन कॉफी, सारी तरह की कॉफी हम बेचने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इंडियन कॉफी की सप्लाई की जिम्मेदारी आप दोनों लोग ही लें। अरे जो भी हो भाई, अमेरिका की कॉफी हो या अफ्रीका की कॉफी हो, इस कंप्यूटर में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो सब ठीक है आनंद, सप्लाई हम देख लेंगे, लेकिन हमारे बीच जो डील हुई है वो रेट बराबर दे देना। डोंट वरी अबाउट, हो जाएगा। इतने खूबसूरत है ये गोरी, अगर मुझे पता होता तो मैं भी अच्छी तरह पढ़ाई करता ना। Hey, how are you? Fine. You like some wine? Yeah, I'd like some. You know, this is Durai, your mentor. Hi. And this is Ratnam, my schoolmate. Hi. Hello. Nice to meet you. Sit down, please. Thank you. Your price is way too high, man. थोड़ा तो प्राइस कम करना चाहिए। Yeah, and just rate. In the market, we are getting it at lower price. इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोल रही है ये। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है। अरे क्या पैसा पैसा लगा रखा है? देख तू अपनी नई बीवी को विदेश से लेकर आया है, और अभी क्यों आया है? तो जितना दे सकता है दे देना, नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, हमारे लिए फ्रेंडशिप जरूरी है, बिजनेस बाद में देख लेंगे। ठीक है, तू किसी वेकेशन पे जाने की बात कर रहा था ना, तू जाके आ, फिर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। बाद में बात क्यों करना? अरे बाद में क्यों बात करना है? तू ज्यादा मत पिया कर, बड़बड़ाने लगता है। Hey, okay man, don't worry, we will discuss this later, okay? Okay, let's have dinner, I'm starving. बीवी हो तो ऐसी, मेरे घर पे एक है, पी कर जाता हूँ तो बोलती है बेवड़ा है। फिर शुरू हो गया। ये जो प्रसाद चढ़ाया है, खा के चली जा, चली जा, कोई इच्छा है तो बता, चली जा, चली जा, चली जा, क्यों नहीं जाती है, जल्दी खा के जा, जा खा के जाओ, कुछ भी कर ले मैं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, जाओ, जाते हैं। क्या ये इतनी भयानक है? गांव के मंदिर की तरफ गई थी, वहाँ प्रीत ने पकड़ लिया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंदिर में प्रीत कैसे पकड़ सकता है? मेरी कोई इच्छा है क्या? बोल। यही है मुरझाया हुआ पेड़, इसे पार करके कोई नहीं जा सकता। ए, कहाँ जा रहा है तू? पापा सा? अगर वहाँ जाएगा तो प्रेत तुझे मार देगा। अरे चुप कर, ये प्रेत वेत कुछ नहीं होता। ए, बेवकूफी वाली बात मत कर, मेरे दादाजी भी ऐसे ही सीना तान कर गए थे, सुबह उठे और उनके मुंह से खून निकला, मर गए, प्रेत होता है। चल यहाँ से चल। सीमा चल, मंदिर चल, चल, और मुरझाया हुआ पेड़, प्रेत आत्मा, पुजारी ने जो कहानी बताई, इन गाँव वालों का डर देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है, ये देखने की मुझे इच्छा हुई। अपने गांव के थिएटर में अपने हीरो की फिल्म लगी है, तो दूध से अभिषेक करने से लेकर थिएटर के बाथरूम तक की सफाई का काम हमें ही देखना है भाई। हीरो के बैनर में माला पहनाने का काम तेरा होगा, उसको छोड़कर बगल में जो श्रेया है उसको माला पहनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदमियों को मिठाई तू बांटेगा, औरतों को मैं बांटूंगा, बात समझ रहा है ना मेरी? कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सूर्यवंशी ने बोल दिया ना, सब ठीक से सुन लो। क्यों रे, आदमियों को मिठाई हम लोग बांटे और औरतों को मिठाई तू बांटेगा, तेरी तो? अरे ठीक है, हम दोनों मिलकर औरतों को मिठाई बांट देंगे ना। मनी, कविता टीचर ने स्कूल खत्म होते ही गणित सिखाने को कहा है। बुक नीचे रख, मेरे बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, टीचर ने स्कूल खत्म होने के बाद तुझे सिखाने को कहा। तुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे सिखाने की, तू जा यहाँ से। पर टीचर पूछेगी तो मैं क्या बताऊँ? हाँ? बता कि तू खूबसूरत है, जा। अरे ये कला हीरोइन जैसी लगती है ना। हीरोइन? ये मोटी लगती है, मोटी। ए, उसमें कोई कमी नहीं है, जाकर तू अपनी शक्ल देख। बड़ा भाई ज्यादा मत बोला कर, तू समझा? ए रुक जा। अरे क्या, जब देखो सीमा मंदिर बोलकर डराते रहता है। ए तुझमें बहुत हिम्मत है क्या? हिम्मत है तो अंदर जाकर देखा जा। चल ठीक है, मैं अंदर जाके आता हूँ। कितने की शर्त लगाएगा? अगर तू वहाँ से जिंदा बाहर आ गया ना तो कला तेरी हुई। ए कला के बारे में फालतू बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ ना यार, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना। चलो ना वापस चलते हैं यार, बहुत डर लग रहा है सच में। क्या यार तुम लोग डर रहे हो, यहीं रुको मैं जाके आता हूँ। अरे नहीं यार मणि, तू रहने दे, अंदर मत जा यार, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ए मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ए तू मुझे मारेगा? हाँ सब तेरी वजह से हुआ है, तूने उसे क्यों? ए अंदर मत जा, चल तू शर्त जीत गया, पर हमें तो जाने दे, हमने मान लिया तू जीत गया भाई, मत जा अंदर। यार वो तो सच में अंदर जा रहा है, अब क्या करें?
और लगेगा। हाँ ठीक है। चाचा रानी है चाचा। चाचा रानी को पकड़ो ना चाचा। यही तो इसका काम है। ए, तू जो काम करता है वो बच्चों को पता चल गया क्या? ए, तू अपना काम करना। ए, तू जा यहाँ से, बच्चों के साथ खेल जा, चल। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। सुना है तुम्हारी शादी की बात चल रही है, कब है शादी? घर वाले तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। अपने घर में कब शादी की शहनाई बजेगी? कविता का हाथ मांगने कब आऊँ मैं? अब दुरई की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त होना चाहिए ना। शुभ मुहूर्त का खुद चल कर आएगा, वो तो हमें ही निकालना होगा ना। मरने से पहले मैं अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ। आपके जाने के बाद ये शुभ काम होगा? अच्छा, इसलिए तू बस पकड़ कर इतनी जल्दी आ गया ना, मेरे ऊपर जाने का इंतजार ही कर रहा है। कोई शुभ दिन देखकर हम खुद ही आपके घर कविता का हाथ मांगने आएंगे। किसी टीचर की धोती नहीं खींचा माँ, यहाँ सारे टीचर पैंट पहनते हैं। चाहो तो मामा से खुद पूछ लो। आप तो आ रही हो ना माँ, आ जाओ खुद सामने देख लेना। परेशान मत हो, मैंने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर ली है। ए, मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता है। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ ना, वहीं से ये पता लगा लेता हूँ कि कौन कहाँ क्या गलती कर रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, मतलब खबरदार रहो। आज गणित की परीक्षा है, अगर किसी ने भी कॉपी की तो आज उसकी गणित बराबर करके घर भेजूंगा मैं। जब मैं एक्सटर्नल टीचर था तो कई बच्चों को घर भेज चुका था। मेरे बारे में अपने सीनियर से पूछ लो, वो डर तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। इज्जत से बैठने, ये कौन सा तरीका है बैठने का? पैर में खुजली हो रही है। खुजली हो रही तो ना क्या आता ना। सर पेपर। सर पेपर चाहिए। हे, क्या हो रहा है? सर स्केल मांग रहा है। अरे एग्जाम लिखने तो बिना दिमाग के आते हो, अब स्केल भी लाना छोड़ दिया? ये ले पकड़। भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। ये भी मेरी ओर देख रही है। चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता। ये पहला क्वेश्चन। ए तू, कोई पेपर तो नहीं रखा हुआ है ना तूने? तूने इतना सारा पेपर कैसे लिख लिया? ठीक से पढ़ाई करनी तो आता नहीं है और इतना सारा लिख डाला पेपर में? पागल, सच सच बता कहाँ से चीटिंग की है तूने? झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? तो फिर इतना सारा कैसे लिख डाला तूने? हैं? चल बैठ जा। यार लगता है तू बहुत पढ़ गया है, इसलिए इतनी सारी एक्स्ट्रा शीट्स। लगता है तुम लोगों को पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ क्लास में। इतने लेट कैसे? सॉरी सर, सो गया। वो तो देख ही रहा है, वैसे भी तू पढ़ के क्या करेगा? जा। अरे सिंगम, इस साल तू पास होगा कि नहीं? क्या रे ऐसे क्या देख रहा है? जा पास होने की कोशिश करना। मणि, मेरा पेपर देना। एक बार रुक देता हूँ। बच्चे लोग, 15 मिनट बचे हैं सिर्फ, जल्दी जल्दी लिखो नहीं तो पेपर छीन लूंगा मैं। पेपर। बेल बज के 5 मिनट हो गए, तुम लोग अब तक क्या लिख रहे हो? ए मणि, ए तंगम, ए शंकर, तू क्या लिख रहा है? 2 मिनट सर, 2 मिनट। अरे जो लिख दिया उसको दोबारा क्यों लिख रहा है? जल्दी लिख, चल चल। अरे अब तो आखिरी बैल भी बच गई, जल्दी से पेपर दे दो। अरे पेपर नीचे गिरा दिया तुम लोगों ने, क्या है ये तरीका?
से अपने अपने नाम के पेपर उठाओ। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ये लो बांधो। माँ कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसे? मैं अच्छा हूँ माँ। क्या हुआ? लगता है कुछ खराबी आ गई है, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। मैं होकर आता हूँ। आते समय तो अच्छा था ना। ठीक है, आप जाकर मैकेनिक को लेकर आइए। गाड़ी खराब हो गई है माँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तब चलते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, मैं तेरी टीचर से पूछकर पता कर लूंगी। ठीक से पढ़ाई कर रहा हूँ माँ। हेलो साहब, मैं अनवर बोल रहा हूँ। बोल, क्या हुआ? गाड़ी को रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर? क्या हुआ? आते समय तो ठीक थी, पर अभी लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई है। ठीक है, मैकेनिक को। हाँ, मैं मैकेनिक के पास ही जा रहा हूँ, गाड़ी ठीक करवा कर लेकर आता हूँ। वो यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी रिपेयर करवा कर घर पहुँच। ठीक है मालिक। हेलो, मैं वेलू बात कर रहा हूँ यार, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। दो दिन में तेरे पास आकर रहूंगा, ठीक है? दीदी आप क्यों खाना परोस रही हैं? आप भी बैठकर खाना खाओ। बस बस, मेरा खाना छोड़, मेरा बेटा ठीक से खाना खाता है या नहीं? माँ आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। माँ जब तक गाँव में थी, उस दो दिन वेलू ने गाँव में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। माँ के जाने के बाद वेलू आया। तू ठीक से पढ़कर अच्छे से काम पर लग जाएगा, जाएगा ना? आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मणि अब अच्छे से पढ़ रहा है और चित्र भी अच्छा बनाता है, मुझे बहुत पसंद है। अरे इसी आदत की वजह से तो ये हर जगह बदनाम हो रहा है। आप देखना, एक दिन ये बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा। इस उम्र में ऐसा टैलेंट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये कुछ ज्यादा था लेकिन सुनने में अच्छा लगा। कविता टीचर की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई थी। तूने अपने बेटे की तरह मेरे बेटे का ख्याल रखा, मैं तेरी एहसानमंद हूँ। अब मुझे लगता है कि मणि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। क्या दीदी, पराए लोगों की तरह बातें कर रही हो, बेफिक्र होकर गांव जाओ। कला 55.5, इस बार मार्क्स कम क्यों हो गए? ए भाई, 55 का मतलब तो 55 होता है, ये हाफ क्या होता है? 55 का मतलब 65 होता है। तब से ये क्या है, 100 में से 70 मार्क्स? लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी बहुत मदद की। नहीं टीचर, मैंने रात भर जग जग के पढ़ाई की है टीचर, बहुत मेहनत की है। ए चुप करो तुम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तंगम को थैंक्स बोलना, उसने तुम्हें रोज पढ़ाया है ना? हाँ टीचर। हाँ टीचर, तंगम को थैंक्स नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सबको मार डालूंगा, सामने देख। परीक्षा में मदद करने के लिए थैंक्स।
तुम मुझे देखकर ऐसे डरती क्यों हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना, इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद नहीं करता तो एग्जाम में हेल्प कैसे लेता? वो जो बुढ़ी आंटी का तुमने चित्र बनाया था वो दिखाओगे क्या? हाँ दिखाता हूँ ना। बहुत अच्छा है। इसी तरह क्या तुम मेरा भी चित्र बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ। अभी बनाओगे? हाँ अभी। इधर बैठ जाओ। यहाँ? अरे बैठो तो सही। थोड़ा इधर ऊपर देखो, ऐसे ही बैठना। उस दिन पूरी रात मैंने तंगम का चित्र बनाया लेकिन उसे दिया नहीं और मुझे देने का मन भी नहीं था। अगर तंगम को चित्र नहीं दूंगा तो उस बहाने मुझे उससे बात करने का मौका भी मिलता रहेगा। उस वक्त मैं बहुत खुश था। मामा, स्कूल, फ्रेंड्स, कविता टीचर, तंगम, मुझे खुश देखकर सारा गाँव खुश रहता था। मेरे मामा और कविता टीचर की सगाई तय हो गई। तभी वीरा पंडी का मेला शुरू हुआ। आत्मा, मुझे पीने का शौक नहीं, लोग पिलाते हैं मुझे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ बुलाने को। रक्षा करने वाला भी तू है और क्रोध करने वाला भी तू ही है। तरु एक चाय बना, जल्दी बना, नंदा के खेतों में आग लग गई है, जाके देखना है क्या। अरे कैसे आग लग गई? अरे किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर फेंक दिया होगा, सब कुछ जल गया सुना है। ओहो हो, बहुत नुकसान हुआ है। भगवान, पूरा घर जल गया मेरा।
उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस नंदा के आंसू और उसकी माँ के श्राप ने मुझे बख्शा नहीं। क्या बात है भाई, आजकल बहुत हीरो की तरह गेटअप बदल के आ रहा है, लेकिन वो लड़की तुझे लाइन नहीं मारने वाली है, याद रखना। तुम लोग मुझसे जल रहे हो। नाराज मत हो, तू तो अपना सुपर स्टार है। जंगल में मोर नाचता हुआ देख लिया क्या? देखो तुम लोग ऐसे चौंको मत, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर नहीं आए, इसलिए मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट आई हूँ। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें शांत बैठना होगा, ठीक है ना? मैंने कहा शांत बैठना होगा। सॉरी मैम। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं पढ़ाना। किसी को गाना आता है? यहाँ आओ, हमें गाना सुनाओ। क्या हुआ, किसी को नहीं आता? आओ तपसी, शर्मा क्यों रहे हो? शर्म की बात नहीं है टीचर। तो फिर आ जाओ। इतना बेचैन होके मैं तुमसे मिला था, तुमको क्या थी खबर, मैं था कितना अकेला। कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आके तो देखो क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे जो हाले हाले गाए, फूलों के सर से हवाए। भाई जलसा के साथ मैंने जलसा किया, किसी को बताना नहीं, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कैसा कर रहा है? इनको ही मैंने सीमा मंदिर में देखा, सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता ये टीचर ऐसे क्यों है, वो भी उस ड्राइवर के साथ। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, टीचर के बारे में मुझे मामा को बताने का मन नहीं कर रहा। एक तरफ मामा और कविता टीचर की शादी होने वाली है, और दूसरी तरफ टीचर अनवर के साथ घूम रही है। मैं वहां सब कुछ छोड़कर आया हूँ, पर तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। क्यों, वहां जाओगे तो तुम्हें कोई गले लगाने वाली नहीं मिलेगी, इसलिए डर रहे हो? क्या मजाक कर रही हो तुम? मणि की माँ कब आएगी, यही बात सोचकर मुझे डर लग रहा है। उसकी फिक्र मत करो, उनके आने से पहले हम ये गाँव छोड़कर भाग जाएंगे, उसके बाद हम अपनी अलग जिंदगी शुरू करेंगे। अचानक सगाई की बात करो, उस दिन तो मुखिया के बेटे की शादी है ना। देख तू शादी में आया या मत आ, लेकिन पार्टी में जरूर आना। ठीक है, उस दिन की तरह लुंगी उतार कर नाचना, लेकिन उस दिन की तरह बिना चड्डी के मत आना। नहीं नहीं नहीं। नमस्ते सर। अरे लोन के लिए बैंक तक गया था। हाँ ठीक है, सारी मेहनत बेकार चली गई, क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इंश्योरेंस करवाया होता तो मैं किसी तरह पैसे निकलवा के दे देता, लेकिन तुम लोग तो वो भी नहीं करते हो ना, वी होकर भी मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए गांव के बड़े आदमी अगर ये कुछ आए तो कर सकते हैं। खेती में आग लग गई तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हो गया, अब आप ही मदद कीजिए, ऐसा बोलना इनसे। अगर ये सही रेट देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। क्या सही रेट देंगे, मतलब आज तक मैं जो दे रहा था वो गलत रेट था? नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों की। तुम लोगों पर रहम करके मेरे दादाजी ने जो जमीन दी ना, उनको बोलना चाहिए। ठीक है, अब इतना गुस्सा भी मत कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ये इरादा नहीं था। क्या मैं गलत समझ रहा हूँ, जो सही समझता है ना जाकर उसके पास बेच जा। आप तुरंत गुस्सा क्यों हो जाते? ए, इसको बोल ये बाहर चला जाए, हमेशा आकर कानून की बात करता रहता है। देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ और समझ रहे हैं। अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं ये, अब तू बाहर जाना, जा बाहर जा। अरे बोल रहा हूँ ना, जा बाहर निकल, यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल क्यों देख रहा है, जा। चल जा।
तेरे चेहरे पे प्यार नजर आता है। तुम लोगों से कोई नहीं बटेगी। जाने दे यार अपनी कला है ना। ए, कला का नाम मत ले, मुंह तोड़ दूंगा। लड़की जो बुलाती आ जाती है यार। ए, ये मणि वहाँ क्यों खड़ा है? ए, मणि किसका इंतजार कर रहा है ऊपर? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, हम यहीं पे रुकेंगे, तेरे साथ ही जाएंगे। ए, इस मैडम के लिए इंतजार कर रहा था। ए, देख रहा है तू इसको कैसे नजर चुरा के जा रहा है? हमें अंधेरा करके खेती जल गई ना, तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम आए थे क्या? सब कुछ जल गया क्या? बहुत नुकसान हुआ होगा। बेचारे नंदा भैया के सिर पर बहुत उधार है, आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं। मेरे मामा कॉफी आनंद के पास बेचते हैं, तुम अपने भैया नंदा से बोलो कि उनके पास जाकर बेचें। ठीक है। वो यहीं कहीं घूमने गए हैं, उनके आते ही मिलने के लिए बोलो। तू जहाँ जहाँ जाएगी पीछे पीछे आएंगे। हम सब पागल बनकर तेरा पीछा करेंगे, तेरा पीछा करेंगे, तेरा पीछा करेंगे। देख रहे हो, लड़की साथ में है तो इतना चिल्लाने के बाद भी हमें पीछे मुड़कर देख नहीं रहा है ये। अरे जाने दे यार, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहा है तू? तू ज्यादा बोलेगा ना तो थप्पड़ खाएगा। दंगम को अपना नोट छूने से मना किया था और उसी नोट्स में मैंने दंगम का चित्र बनाया। आखिर में दंगम मेरे रूम में आ गई। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मैंने जो डील किया नंदा से उससे रेट की बात कर रहा है। ये देख, एसोसिएशन से तय करके रेट फिक्स करने वाला मैं हूँ, तू क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? हे दुराई, कूल मैन, बिजनेस अलग है, फ्रेंडशिप अलग है। स्मॉल फार्मर्स मुझे डायरेक्टली कम रेट में दे रहे हैं और मैं खरीद रहा हूँ, इसमें तुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज कहीं का। वो क्या बोल रहे हैं सर? ये डोंट वरी मैन, सबको रेट पता है ना, इन्हें सब बता दिया जी, है ना? जी सर, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ भाई। कल अगर कोई ज्यादा रेट देगा तो उनके पास मत चले जाना, ठीक है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, ओके। Let's hope all this goes well. Thank okay? you, sir. कमीना कहीं का? हाँ माँ। तुझे ढूंढते हुए कोई आया है, जल्दी आ। कौन है? अरे खुद आकर देख लेना। आ रहा हूँ। ए जल्दी आ रहे, मालिक तुझे बुला रहे हैं। वो क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है भाई? क्यों बताऊंगा, तभी मेरे साथ आएगा क्या? चल मेरे साथ। नहीं बताइए तो पहले। मेरे साथ चल बैठ जा। चल ना, वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। चल चल बैठ जा। मालिक के सामने खड़े हो जाओ। क्या समझते हैं अपने आप को? मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों बुलवाया? कमीना, बहुत कानून की बात कर रहा है।
बर्ताव तो तू ऐसे कर रहा है जैसे स्टेट का मालिक तू है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसा बोल रहे हैं? ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। तेरी औकात क्या है मुझसे मुकाबला करने की? हाँ ये गलत है, ये गलत है। आज मैं तेरे साथ वो करने वाला हूँ जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं बता दे रहा हूँ ये गलत है। हाँ? मैं पुलिस में जाऊंगा। मैं पुलिस में जाऊंगा। छोड़ो मुझे, पुलिस में जाऊंगा। छोड़ो। अगले दो दिन तक नंदा उस तालाब से बाहर ही नहीं आया। ऐसा कुछ होगा अगर मुझे पता होता तो मैं इस बारे में तंगम को बिल्कुल नहीं बताता। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। पापा की मौत के बाद अगर मुझे किसी और बात का दुख हुआ है तो वो तंगम के साथ हुआ हादसा था। मामा इस हद तक पहुंचेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। जो मैं नहीं देखने का सोच कर आया था वही सब मुझे यहाँ पर देखना पड़ रहा है। और अब ये तुम्हारी सगाई। चलो यहाँ से हम कहीं चले जाते हैं। थोड़े दिन रुक जाओ, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे पर कब जाएंगे बताओ? मेरा सर्टिफिकेट और पैसे हाथ में आने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। अच्छा हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पर जात पात का कोई भेद ना हो। पर ऐसी कोई जगह है क्या? हाँ है ना, यहाँ यही जगह। यहाँ हम बस दो लोग हैं, कोई जात नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहीं अपना घर बसा लें। राजेश्वरी। यस सर। राजकुमार। यस सर। राममूर्ति। यस सर। संगीता। यस सर। तंगम। तंगम। तंगम नहीं आई सर। तेन अपन। यस सर। पार्वती। हिलाखम। यस सर। उमा महेश्वरी। यस सर। रंगनाथन। यस सर। देवी प्रसाद। यस सर। संगीता। यस सर। तंगम। तंगम आज भी नहीं आई क्या? तंगम नहीं आई सर। टेन अपन। यस सर। जब वो दो दिन नहीं आई तो तंगम के लिए मेरे दिल में जो प्यार है उसका मुझे एहसास हुआ। पूरी रात में सो नहीं पाया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। तबीयत का ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ। हाँ क्या मणि, आज यहाँ कैसे? ऐसे ही गणित का नोट लेने आया था। ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? दो दिन से बीमार थी। अब कैसी हो? अब ठीक है, कल परसों से आ जाऊंगी। तुम चाय पियोगे क्या? नहीं रहने दो, मुझे एक जरूरी काम है, अभी जाता हूँ। क्या चला, तुम तंगम से क्यों मिलने गई थी? नहीं मणि,
तंगम की माँ से मिलने गई थी। मुझे तो यकीन नहीं, सच सच बताओ बात क्या है। वो तो ठीक है, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बताया तो था, गणित का नोट लेने आया था। तू कौन सा नोट लेने आया था, मुझे पता नहीं है क्या? बात को घुमा मत, तुम वहाँ क्यों गई थी वो बताओ। कह तो रही हूँ ऐसे ही आई थी। अरे बताना चल रहा। ये सब बड़ों का मामला है, तुझे क्या करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बड़े लोगों का मामला मतलब? हर एक बात तुझे खुलकर बतानी होगी क्या? इस गांव में तेरा मामा क्या काम करता है तुझे पता नहीं है? क्या तंगम भी? हाँ तो अगर वो मना करती तो तुम छोड़ देते? जा जा, तू भी तो उसके पीछे इसीलिए घूम रहा है ना। हाँ मणि मणि, मार्केट में सारे फूल भेज दिया भाई, अब तक तो पहुंच भी गया होगा। पहुंच गया होगा, शाम को पार्टी में आ जाना। ठीक है भाई। ठीक है चलता हूँ। ठीक है भाई, होकर आइए। डिंडीगल बस स्टैंड की तरफ चलो। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुरई, घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। ए, इनका सामान उठाकर गाड़ी में रख। ठीक है। मणि कैसा है? उसे किस बात की चिंता है, बिल्कुल ठीक है। सगाई की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है दीदी, आप दो दिन पहले आ सकती थी ना। अरे आप ऐसे खड़ी क्यों है दीदी, चलिए ना गाड़ी में, चलते हुए बात करेंगे। ओए तू इधर ही रुक, बाहर जाना है, आता हूँ मैं। ठीक है साहब। दुरई, मणि कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो अंदर ही होगा दीदी, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम बताओ? पता है ना कैसे बनाना है? उसकी शादी बिल्कुल पुराने हलवाई की तरह। हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, बस खाता है निकालता है, खाता है निकालता है। जाकर बच्चों के साथ खेल नहीं सकता? बाकी सब क्या स्वामी? हाँ भाई, जितने बल्ब जल रहे हैं ना वो गिन गिन के तभी पैसे दूंगा। भाई संभल कर भाई, ठीक से लगाए से। चढ़ गया आसमान पे। भाई जरा सुनिए, क्या लेकर आए? ये कहाँ रखूं? हाँ चल अंदर रख दे। ठीक है। कविता, कविता, कविता! अरे दरवाजा खोल बेटी। आई, अभी आई माँ। अरे जल्दी दरवाजा खोल, क्या कर रही है ये? क्या कविता, कितना टाइम लगा है दरवाजा खोलने में, ऐसा क्या कर रही थी अंदर? हाँ कपड़े बदल रही थी माँ। अच्छा ठीक है, ये कंगन पहन ले, अच्छे है ना? उस जमाने में भी कितने खूबसूरत डिजाइन होते थे, मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे दिए थे, तो अब मेरी बेटी को ही मिलने चाहिए ना। मैं सुनार के घर तक जाकर आती हूँ। अरे कविता ये क्या बोल रही है, तेरी सगाई होने वाली है, तू घर पे ही रहे, मैं सुनार को यहाँ बुला देती हूँ। अरे नहीं माँ, उसका घर 10 किलोमीटर दूर थोड़ी ना है, पास ही में तो है, थोड़ा सा काम ही चला आ जाऊंगी। अच्छा संभल कर जाना।
है तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा था तू बचकर भागना चाहता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ भाग रहा था? बड़ी मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। दीदी आप इस वक्त यहाँ पर? दुरई तेरा ड्राइवर ही वो वेलू है जिसने मणि के पापा को कत्ल किया। क्या बोल रही हो दीदी? हाँ दुरई, मैंने मणि को ये सब बात बताई तो मणि गुस्से में उसके पीछे पीछे चला गया। मणि कुछ करने बैठे, मुझे बहुत डर लग रहा है दुरई। कहाँ गया था? कहाँ गया था तू बता ना, क्या किया तूने उसके साथ बता मुझे। बच गया, लेकिन आज नहीं तो कल उसकी मौत मेरे हाथ ही होगी। हाँ चला जा, उसे मारकर तू भी जेल चला जा, फिर मैं अकेले यहाँ मरती रहूंगी। तेरे पापा के गुजरने के बाद मैंने कितनी तकलीफ उठाई है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। भूल जा उस आदमी को, मेरी बात मान जा। गुस्सा थूक दे बेटा। तुम चुप रहो माँ। मणि मैंने दुरई को सारी बात बता दी है बेटा, वो सब कुछ संभाल लेगा, तू शांत हो जा। हाँ अरे पता है बालू की बीवी किसी के साथ भाग गई। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा है, मेरे चुप रहने से क्या। अब उसे ही देख लो, दामानों को पता नहीं। मुझे तो पहले से ही उस लड़की पर शक था। अरे ये सारी बातें छुपी। हाँ सही कह रही हो। सॉरी सॉरी, आंख के अंदर चला गया। आज के बाद ये सारा स्कूल तुम्हारा है, हर काम तुमसे इजाजत लेकर करना पड़ेगा। अब से स्कूल में अब से तुम्हारा ही राज होगा। मालकिन बन गई तुम। ए कविता क्या हुआ, इतनी जल्दी सपने देखने लग गई क्या? ठीक है चलो, बुला रहे हैं तुम्हें, चलो चलते हैं। इनको पूछो क्या किया उसने। जाओ ये साड़ी पहन कर आओ। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें दुरई जैसा पति मिल रहा है। यहाँ क्यों आई है, मेरी बात का जवाब दे।
तुमने मुझसे इजाजत मांगी क्या? हाँ? जो शादी करवा रहे हो? नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये शादी। अरे, ये क्या है रेशम कविता? क्या कर रही हो? अरे, कोई रोक तो नहीं? अरे, कविता रुक जा, रुक को गाली क्यों दे रहे हो? जो भी है वो सीमा मंदिर के पुजारी के साथ बैठकर बात करने के बाद फैसला करते हैं। पुजारी जी से पूछेंगे तो उसकी वजह पता चलेगी, तभी उसका निवारण कर पाएंगे ना। अब कब तक पुजारी जी आएंगे और कब वो इस समस्या का निवारण बताएंगे? और अगर उन्होंने निवारण बता भी दिया तो क्या कविता वापस आ जाएगी? अब वो लड़की क्या यहाँ रह सकेगी? अब किस में हिम्मत है कि जाकर उसे मंदिर से बाहर निकाल सके? आपकी बेटी कविता पर रक्षा करने वाले मुनियांडी आए हैं। कितनी बार उसे रात को पढ़ाई करने जाने से मना किया पर मानती ही नहीं। ठीक है स्वामी जी, लेकिन इसका उपाय क्या है? काला मुर्गा, बगैर तिल का सफेद बकरा, सिगार, कपूर और धुनी, मदिरा और अंडा, इन सब का प्रसाद चढ़ाएंगे तो मुनियांडी प्रसन्न हो जाएंगे। रत्नम, रत्नम बाहर आ, बाहर आने के लिए बोल रहा हूँ, बाहर आ। मणि, तुम्हें पहले आकर मुझसे बात करना चाहिए था। तुमने जो किया वो गलत किया, क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया था? मणि, मारने दो। ये सारे लोग ऐसे ही हैं, इन सब का काम एक जैसा है, दूसरों को मारना, बेइज्जत करना। आओ मारो, मारो मुझे, जान से मार दो। मेरी बात ध्यान से सुनो मणि, जो गलती इन्होंने नहीं की तो उसकी सजा इन्हें दे रहे हैं। तुम्हारी बात इसकी समझ में नहीं आएगी कविता। मेरा बाप, मेरी माँ, नंदा और मैं, इन सब के लिए एक ही है। ये सब छोड़ दो मणि, तुम एक अच्छे लड़के हो, अगर तुमने ऐसा किया तो दुरई वेलू को मार डालेगा और फिर मेरी शादी दुरई से हो जाएगी। क्या यही चाहते हो तुम? तुम दुराई को अच्छे से जानते हो। अब मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं है, तुम खुद
जल्दी अपना फैसला लो। अरे अरे बताओ तो बात क्या है, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है? कविता कहाँ गई है? ए मणि किधर है तू? कविता मणि कविता ए मणि कहाँ गायब हो गई ये लोग? इनकी हिफाजत के लिए छोटे बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए था। ए मणि को कुछ हुआ तो नहीं होगा? अगर ये लोग यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ गए? वो देखो मणि जा रहा है, और वो दोनों किधर गए? ये यहाँ क्या कर रहा है? रुक जाओ मणि। ए मणि रुक। ए मणि मणि रुक जा, क्या हो गया रे तुझे? हाँ? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, तू ऐसे ही चलता जा रहा है, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना तू? ए सुनना, ए अनवर ने तुझे मारा है क्या? है बता, ए कहाँ है वो लोग? मुझे नहीं पता। क्या बोल रहा है तू? वो लोग चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? मैंने उन लोगों को भगा दिया। क्या? मैंने उन लोगों को भगा दिया। ए, क्यों भगा रहे हो? बता मुझे क्यों भगाया? ए, क्यों भगाया? बता, मुंह खोल। बता, ए, बता मुझे जल्दी क्यों भगाया उनको? बता। ए, ओ, 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 ए, मणि रुक जा, नहीं छोड़ूंगा ना। रुक जा, मणि रुक, रुक जा, उसे छोड़ना नहीं है। रुक जा। मेरे ऊपर हाथ उठाए तूने, तू पक्का मेरे हाथों मरेगा। शराफत से बता दे वो लोग कहां गए हैं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तेरे बाप को उस कमीने ने मारा और तूने उसके साथ कविता को भगाया। तू अपनी जात में पैदा हुआ है या किसी और की औलाद है तू? जब तूने तंगम को छुआ तब तुझे जाति का पता नहीं था क्या? तू भी अपनी जात में पैदा हुआ है ना, तुझे तंगम की जात का पता नहीं था? तंगम कौन है? वो वेलो की बेटी। पता होता तो मैं चिल्ला से कहकर तेरा इंतजाम करवा देता। छी, ऐसी बात करते हो तो ये शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया मुझे ये बात कह रहा है? तेरे जैसे जानवर के साथ जीने से अच्छा है उस इंसान के साथ खुशी खुशी जिएगी। आज से मुझे तेरा आसरा नहीं चाहिए, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। जा रहे। Ah!
मणि मणि मुझे भागना चाहता है, मुझसे बचकर भागेगा, है? मुझे मार कर भागना चाहता है, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दो तुझे, नहीं मामा, है? नहीं, मेरा नमक खाकर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे जाने दो, है? मामा, भागा, मामा, मुझे छोड़ दो, अब भाग कर दिखा, मैं चला जाऊँगा, भाग, भाग, मामा दिखा भाग कर मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे मारेगा चल भाग कर दिखा बाबा तुझे छोड़ वाला है आगे वाला बता बता कहाँ गए वाला चेन्नई की बस कहाँ से जाती है? उस तरफ। ए कौन हो तुम? इस तरफ बस में क्यों चढ़ रहे हो? चलो नीचे उतरो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो नीचे उतरो। अरे अजीब गुंडा करती है। अरे भाई कोई समझाओ इसे। नीचे उतारो। मामा को पक्का वो लोग चेन्नई बस में नहीं मिले होंगे क्योंकि वो लोग चेन्नई गए ही नहीं। इस मामले में मैं मामा से जीत गया। इस बात की मुझे छोटी सी खुशी है। तंगम से मिलकर बात करने की मेरी इच्छा हो रही है। मैंने उसका जो चित्र बनाया वो उसको नहीं दे सका। माँ के बारे में सोचकर बहुत चिंता हो रही है। मैं ही उसकी दुनिया हूँ। मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा पता नहीं। बेचारी मेरी माँ।